हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका जो पूरा परिवार है दोस्तों वो भी ठीक ठाक होगा। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, वो है आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी जिस बहुमत के साथ हमारे पंजाब में आई है दोस्तों, वाकई ही काबिले तारीफ है और पूर्ण बहुमत से आई है। 92 सीटें बताई जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी ने हमारे पंजाब में दोस्तों जीती हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से निवेदन है, विनती है कि आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है लाइक करें ताकि आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहे दोस्तों। और आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट को पा करके दोस्तों मैं नए नए टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो लेकर के आता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हमारे पंजाब के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है दोस्तों, यहाँ की जो जनता है काफ़ी खुश दिखाई दे रही है दोस्तों, और मैं चाहता भी यही था। और हालांकि बात वही आ जाती है दोस्तों कि मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता, मैं तारीफ़ करता हूँ अपने परमात्मा गुरु की जिसने मुझे ये सोच बख्शी है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के सरकार और जनता को आपस में जोड़ने के लिए मैंने जो अपना है यूट्यूब चैनल बनाया है दोस्तों, और अपने गाँव के जो मुद्दे हैं, अपने आसपास के जो मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए, काम जो रुके पड़े हैं उनको पूरा करवाने के लिए और नए सिरे से कामों को करवाने के लिए मैंने ये जो चैनल है क्रिएट किया है दोस्तों, बनाया है। और आप सब मेरे साथ जुड़े, आप सभी से मैं अपने दोनों हाथों को जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप सब मेरे साथ जुड़े दोस्तों और मुझे सेवा करने का मौका दें। और सरकार से भी अपने दोनों हाथों को जोड़ करके विनती करता हूँ कि ये जो मैंने चैनल बनाया है यूट्यूब चैनल, ये आपके और जनता के लिए मैंने बनाया है, अपने लिए नहीं बनाया। तो आप और जनता मेरे साथ जो है मिलकर के चले। तो दोस्तों आम आदमी पार्टी की सरकार जो है पंजाब के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ आई है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है इसकी। तो एक नई दिशा यहाँ पर आम आदमी पार्टी सरकार ने जो है पंजाब के लोगों को दी है दोस्तों, एक सोच डेवलपमेंट कर दी है यहाँ पर। और अब मैं अपने सभी भाइयों से भी गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी आपकी सोच को जो है बदल रही है, उस तरह से थोड़ा आप भी बदलें और आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ दोस्तों आप सब मिल करके चलें। और सरकार नई नई स्कीमें चला रही हैं दोस्तों, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और घोषणाएं भी की गई हैं जो वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी करेगी दोस्तों। आप समय दें क्योंकि सरकार नहीं है, थोड़ा सिस्टम बैठाना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा तालमेल बैठाना पड़ेगा सभी के साथ। और अच्छे स्तर के ऊपर दोस्तों ये पार्टी उभर कर आई है, इसकी मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूँ। और एक तरह से कार्य करने को प्रेरित है ये पार्टी, और पार्टी के तमाम जो मेंबर हैं, जो सरकार बनी है वो बहुत ही सूझबूझ के साथ यहाँ पर उस मंत्रिमंडल का जो है गठन किया गया है दोस्तों। और सरकार आपके द्वार जो है प्रोग्राम भी चलेगा अभी थोड़े दिनों तक, शायद उसकी घोषणा तो पहले हो चुकी है दोस्तों कि सरकार आपके द्वार, हालांकि ये प्रोग्राम चलना चाहिए दोस्तों, ज़रूरी है बहुत। और सरकार अगर जनता के द्वार आ जाती है तो भी ठीक है, और अगर जनता सरकार के द्वार चली जाती है दोस्तों तो भी ठीक है, सभी के काम होने चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। क्योंकि पंजाब की जनता दोस्तों बहुत ज़्यादा इस समय दुखी है, कामों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आने वाले समय में दोस्तों मैं वीडियो डिटेल में बनाता रहूँगा। तो ये जो एक सोच थोड़ी यहाँ पर हमें भी अपनी चेंज करनी पड़ेगी दोस्तों, जैसे आम आदमी पार्टी ने की है, तभी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पर पंजाब के अंदर तरक्की कर पाएगी दोस्तों। और आप आम आदमी पार्टी की सरकार को जो है दोस्तों समय दें, जल्दबाजी ना करें आप, और जहाँ तक हो सके अपने मन को एकाग्रचित करके सरकार के फैसलों के ऊपर निर्णय लें, सही दिशा में चलें। और आम आदमी पार्टी की सरकार को दोस्तों आप सब पूरा सपोर्ट करें, एक आशा की किरण यहाँ पर जगी है दोस्तों। और आम आदमी पार्टी की सरकार जो है अगर इन 5 सालों में अच्छे काम कर जाती है दोस्तों और लोगों को विश्वास में ले लेती है, तो अगले 5 साल भी यही सरकार दोबारा ज़रूर आएगी दोस्तों। और अच्छी सोच आप लोगों को भी अब अपनी बनानी होगी थोड़ी ज़्यादा, पहले आप लोगों की सोच अच्छी थी, थोड़ी कम थी, लेकिन उस सोच को अब आप थोड़ा ज़्यादा बनाएं। और यहाँ पर सकारात्मक और पॉजिटिव रवैया आप रखें आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ दोस्तों, क्योंकि पूरे जी जान से हमारी सरकार जो है लगी हुई है दोस्तों। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मेरा तो विश्वास था कि आम आदमी पार्टी सरकार जरूर बनाएगी पंजाब में दोस्तों, उसके ऊपर भी मैंने 2-3 वीडियो डाल रखी हैं, आप देख सकते हैं। तो
तो आशा की एक किरण जो है हमारे मन के अंदर यहाँ पर जगी है दोस्तों, और एक दीपक जला है हमारे मन के अंदर कि ये जो हमारी नई सरकार है ये हमारे सभी कार्यों को जो है पूरा करेगी दोस्तों, और बेरोजगारी का मुद्दा भी हल करेगी, काम के मुद्दे भी हल होंगे, महंगाई भी थोड़ी कंट्रोल में आ जाए दोस्तों। तो ये एक तरह से चमत्कार है दोस्तों, और इस चमत्कार को आप जरूर नमस्कार करें और अपने परमात्मा और गुरु को साक्षी मन करके मान करके अच्छी दिशा में कदम बढ़ाएं दोस्तों। और यहाँ पर अभी इस सरकार को बनी हुई को मेरे हिसाब से शायद महीना हुआ है दोस्तों, शायद महीना हुआ है शायद नहीं हुआ, मैं पक्का नहीं अभी कह सकता, और मुझे भी काफ़ी आशाएं हैं आम आदमी पार्टी की सरकार से कि जो घोषणा की गई हैं वो तमाम घोषणाएं जो हैं पूरी होंगी दोस्तों, और होनी भी चाहिए। और एक प्रतिनिधित्व जो है अरविंद केजरीवाल जी का, वो मुझे काफ़ी पसंद आया है यहाँ पर एज ए कन्वीनर, एज ए पार्टी चीफ, और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, वो भी काफ़ी अच्छे इंसान हैं, तो वो भी पंजाब की फीलिंग्स को काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं, यहाँ की जनता की जो बातें हैं जो दिल के अंदर उनको भी वो काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं, और लोकल बंदे हैं वो, पंजाबी हैं, तो उनसे ज़्यादा हमारे पंजाब की जनता को दोस्तों कौन जानेगा। और अब तो केजरीवाल जी भी जान गए हैं कि पंजाब की जनता को जो है बदलाव के अंदर लाना चाहिए, और जनता को बदलाव के अंदर लाना चाहिए दोस्तों। और जो यहाँ पर ये बदलाव हुआ है, सरकार बदली है, ये भी काफ़ी अच्छे ढंग से सभी काम हुए हैं दोस्तों, और बहुमत लेना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और 92 या 94 सीटों का जो है बहुमत बहुत बड़ा है दोस्तों 117 सीटों में से। तो एक यहाँ पर सिस्टम तैयार है दोस्तों, और उस सिस्टम के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी तमाम कोशिशों को है जारी रखेगी, एक अच्छे स्तर के ऊपर जो है पंजाब को ले जाया जाएगा, और पंजाब की जनता की जो मुश्किलें हैं दोस्तों आने वाले समय में वो कम होंगी, दूर होंगी, और एक तरह से दिशा मिला करके चलना किसी सरकार के साथ बहुत ही ज़्यादा आसान होता है दोस्तों, अगर वो सरकार हमारी कार्य करने वाली होती है जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उसके साथ आप लोगों को तालमेल बैठाना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक अच्छी सोच के साथ उनके साथ आप खड़े हों, और जो आपकी मुश्किलें हैं उन्हें बताई जाएं, और उन मुश्किलों को जो है सॉल्व किया जाएगा, और पंजाब के अंदर एक दोस्तों नया इतिहास लिखा जाएगा यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो किसी भी पार्टी द्वारा अब तक का सबसे बड़ा इतिहास होगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का जो है ख्याल रखिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।